अगेन गाइस, कैसे हैं आप सब? खैरियत से? ठीक ठाक, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और जैसे कि हम लोग मैच देख रहे थे, पाकिस्तान का और इंग्लैंड का फाइनल हो रहा था, तो पाकिस्तान हार चुका है, तो कोई मसला नहीं, हर चीज़ एक ज़िंदगी का हिस्सा होता रहता है ये भाई, ना उम्मीद नहीं होना। हमारी दुआएं फिर भी आपके साथ है, आप जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है भाई, ठीक है। और बाकी इंग्लैंड को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो, माशाल्लाह से बहुत अच्छा खेले वो। पाकिस्तान ने भी बहुत अच्छा खेला, मगर ये कि जिसके नसीब में जो चीज़ होती है उसी को मिलती है भाई, तो मेहनत अपनी जगह, नसीब अपनी जगह। तो ये मेरी तरफ से एक छोटी सी एक वीडियो थी इंग्लैंड को मुबारकबाद देने के लिए और पाकिस्तान को मोटिवेट करने के लिए। भाई मोटिवेट नहीं, डीमोटिवेट नहीं होना भाई, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ज़रूर आप लेके जाएंगे कप, तो हमारी दुआएं आपके साथ है भाई। तो इसी तरीके से तासुरात हम देखते हैं हमारे फराज भाई के क्या हैं पाकिस्तान के हारने के बाद। सर सलामुअलैकुम। सर बात दरअसल ये कि इंग्लैंड को बहुत मुबारकबाद हो और अच्छी जो टीम ने अच्छा खेला वही जीती है, मगर दिलो दिमाग तो यही कह रहा था कि इंग्लैंड जीतेगी और वही हुआ, क्योंकि मदद के साथ जो इनकी जो परफॉर्मेंस थी और जो इनके करतूत थे वो इनको सेमीफाइनल फाइनल पहुँचाने के काबिल नहीं थे, मगर चले दुआओं से जीते, दुआओं से पहुँच गए ये, मगर ये कि फिर भी इन्होंने मायूस किया। और वही वाली बात है, रमीश भाई की बात आगे फॉलो करूँगा, आगे बात आपको ऐड करूँगा कि हम जीतो या हारो, ये राफे भाई के तासुरात थे। तो ये अभी तक की वीडियो थी, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।